नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से एक नई अपडेट निकल करके आ रही है जिसमें कि दोस्तों UIDAI के पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेशन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन या अपडेशन कराने के लिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, पर दोस्तों अब आपको अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का अपडेशन कराने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप नए तरीके से अपने आधार कार्ड में करेक्शन या अपडेशन करा सकते हैं। तो कौन सा वो नया ऑप्शन ऐड किया गया है और इस नए ऑप्शन से आपको किस प्रकार से अपने आधार कार्ड में करेक्शन या फिर अपडेशन कराना है, कंप्लीट जानकारी के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, पर यहां पर दोस्तों अभी जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है वो ऑप्शन यहां पर ऐड नहीं किया गया है, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहां पर कैप्चा डाल के सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और उसके बाद में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जिसमें कि आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन अपडेट सर्विसेज पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ सिलेक्ट टाइप द ऑनलाइन आधार अपडेट। यहाँ पर दोस्तों जब आप पहले अपना आधार कार्ड को अपडेट कराते थे तो वहाँ पर आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते थे, पर यहाँ पर दोस्तों अब जो ऑप्शन ऐड किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट। यहाँ पर दोस्तों अगर अब आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराते हैं और आपके पास कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने फैमिली मेंबर का डॉक्यूमेंट को लगाकर अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड ऑफ फैमिली, मतलब कि दोस्तों आपके फैमिली में जो भी मुखिया होगा अगर उनके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट है और आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं है और आप इसे कराना चाहते हैं और आपके पास में कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके फैमिली के जो मुखिया हैं उनके आधार कार्ड को लगा करके आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक की जब आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते थे उसके लिए दोस्तों आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। पर इस ऑप्शन के ऐड होने के बाद में दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फैमिली मेंबर के आधार कार्ड में ऑलरेडी एड्रेस अपडेट है और वही एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में भी अपडेट कराना चाहते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट्स आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराने के लिए लगा सकते हैं। पर दोस्तों ये ऑप्शन अभी हाल ही में ऐड किया गया है इसलिए दोस्तों ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। जैसे ही दोस्तों ये ऑप्शन वर्क करना लगेगा मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना करके ले आऊंगा। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप UIDAI की ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आप माई आधार में जा करके यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म को भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग एड्रेस विद आर रिलेटिव रेजिडिंग एट द सेम एड्रेस, मतलब कि दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में जो भी एड्रेस अपडेट कराना चाहते हैं वो एड्रेस आपके फैमिली के मुखिया के डॉक्यूमेंट्स में पहले से अपडेट है और वही एड्रेस आप अपने आधार कार्ड में भी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली के मुखिया के डॉक्यूमेंट्स को इसमें लगा सकते हैं और आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। मतलब कि दोस्तों आपको कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आप अपने फैमिली मेंबर का किसी भी सदस्य का डॉक्यूमेंट्स को लगा करके एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद में इसको आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है। कंप्लीटली फिल कर देने के बाद में दोस्तों आपको यहां पर अपने फैमिली मेंबर के साइन करवा लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। डेट डाल देने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर का जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच कर देना है और आपको आधार सेंटर पर लेकर के इनको जाना है और वहाँ पर इनको सबमिट कर देना है। उनके बाद में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देख करके आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है उस ऑप्शन के थ्रू आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।